नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट यानी स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी को देखा जाता है वो स्टॉक लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि माल कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इस गोडाउन से माल उस गोडाउन में कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे एक एक गोडाउन का रिकॉर्ड रखा जाए। तो आज स्टूडेंट हम इसी पर्पज से बात करेंगे कि अपने गोडाउन में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली में स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है। इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मल्टीपल गोडाउन। मल्टीपल गोडाउन होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे। गोडाउन इज ए काइंड ऑफ लोकेशन वेयर स्टॉक आइटम्स आर सेफली स्टोरेज। एज पर गोडाउन द रिपोर्ट ऑफ स्टॉक आइटम कैन बी प्रिपेयर इन टैली। तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में भी जाने। गोडाउन वह जगह या स्थान होता है जहां पर कोई व्यापारी या दुकानदार अपने स्टॉक या माल को रखते हैं। व्यवसायी हो या दुकानदार, अपने पूरे स्टॉक को दुकान में न रखकर उसकी कुछ मात्रा को ही दुकान या बिजनेस प्लेस पर रखते हैं। बाकी गुड्स या स्टॉक वह अपने गोडाउन में ही रखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका इस्तेमाल टैली में कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना है टैली में, यानी F2 फंक्शन में जाना है। F2 वहां पर इस्तेमाल करना, जैसे हम आपके सामने करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट वापस हम आते हैं, स्टूडेंट आपके सामने टैली खुला हुआ है। यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने मैं कंपनी क्रिएट किया और कंपनी का नाम भी मैं उसी नाम से बना रहा हूँ, गोडाउन नाम से। गोडाउन नाम से मैंने कंपनी बनाया स्टूडेंट, एंड यहाँ पे स्टोर कर लिया, सेव कर लिया और इसको सेव करा दीजिए। स्टूडेंट 1/4/2021 में मैंने काम कर रहा हूँ और इसको करके आप सेव करा लीजिए। सेव करने के बाद स्टूडेंट सीधे आपको F11 फंक्शन की दबाना है। F11 फंक्शन की दबाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर देखिए स्टूडेंट, वापस हम लोग आते हैं स्टोरेज पे। यहाँ पे आपको F2 दबाना है, F2 फंक्शन। F2 में आपको मिलेगा इन्वेंट्री फीचर, जो हम आपके टैली में देख रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स आपको दिखाई देगा, उस पर इंटर करेंगे आप। यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में हम आ गए। इन्वेंट्री फीचर्स में आप स्टूडेंट जब देखेंगे तो वहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में हमें क्या करना है, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन हमें इस्तेमाल करना है। उसमें पहला ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वापस हम लोग टैली भी चलते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे देखिए आपने सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ लिखा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन लिखा है। इसमें पहला ऑप्शन स्टूडेंट देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको डेटा को सेव करा लेना है। देखिए स्टूडेंट ये सेव करा देंगे आप, ठीक है। स्टूडेंट सेव कराने के बाद हमें स्केप कर लेते हैं, वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गए स्टूडेंट, और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम गोडाउन रखा है, क्या बड़ी प्यारी है। एंड ये इस गोडाउन में मुझे ये माल खरीदना है, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर CC100 100 पीस है, 4000। एक पीस का नाम है 5400, दूसरा है सैमसंग मोबाइल कलर टीवी है और K25 है मॉडल नंबर इसका। 100 पीस इसको भी लिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 5200। एंड टू सोल्ड ऑल आइटम टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक विथ 200 प्रॉफिट पर आइटम, यानी 200 प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट रख के बेचना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग गोडाउन के साथ मेंटेन करेंगे, आई चलते हैं टैली पे। तो टैली पे हम लोग एक कंपनी बनाते हैं स्टूडेंट, गोडाउन नाम से मैंने कंपनी बनाया। ये स्टूडेंट आपके सामने गोडाउन नाम से मैंने कंपनी बनाया, एंड बाकी सारा नाम पता है, एड्रेस आप जानते हैं, वहाँ पर क्या फिल करना है बना के आप सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। और मैं यहाँ पे ये कंपनी बनाया, कंपनी बना के मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद सीधे स्टूडेंट आपको F11 में जाना है, जैसे मैंने पहले बताया था। F11 की में यहाँ पे जाएंगे आप और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे F11 फंक्शन में आपको F2 का इस्तेमाल करना है, यानी इन्वेंट्री फीचर्स का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में स्टूडेंट आएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन आप ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, इसमें आप मेंटेन मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आप डेटा को सेव करा लीजिएगा। सेव करने के बाद वापस स्टूडेंट आप बाहर स्केप से आइएगा और इस गेटवे आप टैली पे आइएगा। स्केप से यहाँ पे आप अकाउंट इन्फो में जाइएगा, सबसे पहले लेजर बनाएगा किस किस व्यक्ति से मुझे ये लेन देन करना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले खन्ना इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरा है प्रभात इलेक्ट्रॉनिक है, तो दो लेजर में पहले यहाँ बनाना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का
यहाँ पे मैंने खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर स्टूडेंट बना रहा हूँ। तो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक हमारा भाई माल खरीद रहे हैं या संडी क्रेडिटर्स मिल जाएगा जैसे आपको पता होगा। और नीचे ये बिल बाय बिल ऑप्शन मैंने पहले आपको बताया था, पहला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, ये बिल बाय का मैंने पूरा ऑप्शन आपको समझाया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेव करा लेंगे। दूसरा प्रभात इलेक्ट्रॉनिक का है, एक प्रभात इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर बना दिया स्टूडेंट, मैं इनको माल बेचूंगा, ये आपका सनी डेबिटर्स में जाएगा। यहाँ भी बिल बाय बिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। सेव करने के बाद एक परचेज का लेजर आपको बनाना, जैसे मैंने पहले बताया था एक परचेज का खाता आपको बनाना पड़ता है, परचेज अकाउंट, यहाँ स्टॉक के लिए कंपल्सरी होता है। परचेज के हेड को परचेज में डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा होगा इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड क्यों यस करना है, ये सबसे पहले वीडियो में स्टॉक में मैंने समझाया हुआ था, अगर उसको अभी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एंटर करिएगा स्टूडेंट। एंड दूसरा मुझे एक सेल का लेजर बनाना है, सेल का अकाउंट सेल में जाएगा एंड सेल को सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट, सेव करा लीजिएगा। यहाँ भी इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस होना चाहिए, यस सेव कर लीजिएगा। अभी स्टूडेंट वापस हम बाहर आते हैं एंड इन्वेंट्री वैल्यू में जाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू में आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप देख रहे हैं आपको स्टूडेंट, स्टॉक ग्रुप में हमारे पास किस कंपनी का माल है। यहाँ पे आपको ग्रुप हेड में हमें सैमसंग कंपनी का माल सब रखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में मैंने सैमसंग कंपनी का माल रख दिया स्टूडेंट, सैमसंग कंपनी, ओके स्टूडेंट। एंड आपने इसको सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट, प्राइमरी यस कर लीजिएगा एंड सेव, ओके। एंड इसके बाहर आएगा स्टूडेंट, उसके बाद आप आइएगा स्टॉक ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, यहाँ पे आप पीसेस से हम कौन परचेज करेंगे, आप पीसेस डाल दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा। ये सब ऑफिस मैंने पहले बता दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा स्टॉक पिछले वीडियो को, सारा समझ में आपको आ जाएगा। अब स्टॉक बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, स्टॉक बनाने के लिए यहाँ पे सैमसंग मोबाइल है, हम यहाँ पे सैमसंग मोबाइल स्टूडेंट, ठीक है। एंड मॉडल नंबर ये सब मैं पहले से बना रखा हूँ, बना रहा हूँ आपके सामने, एक ही चीज़ आपको समझ में आए, मॉडल नंबर एंड C100 है। एंड यहाँ बना के आप देखिए स्टूडेंट, एंड C100 लिखा आपने, किस कंपनी का माल है, सैमसंग का, पीसेस मिलेगा एंड सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा आइटम आपको है, इसी का पार्ट दूसरा है, सैमसंग टीवी है ये आपका स्टूडेंट, सैमसंग टीवी क्या है देखिए यहाँ पे, सैमसंग कलर टीवी मॉडल नंबर ये है M7, कलर टीवी को आप CTV भी लिख सकते हैं, कलर टीवी मॉडल नंबर एंड K25 है स्टूडेंट, K25 एंटर, कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, पीसेस करिए, सेव कर दीजिएगा स्टूडेंट, ओके। इतना करने के बाद वापस आप आइएगा, इसी का अगला पार्ट है, आपको नीचे मिलेगा गोडाउन, यहाँ पे क्रिएट करिएगा। एंड गोडाउन देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, गोडाउन कहाँ रख रहा हूँ माल, मैं सारा कहाँ रखूंगा, बड़ी पीली गोडाउन में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़ी पियरी गोडाउन, ये स्टूडेंट डाल दे, ठीक है। एंड प्राइमरी यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी एंड मेन लोकेशन, तो स्टूडेंट आप प्राइमरी में डालेंगे, बाय मेन लोकेशन अगर आप स्टॉक के साथ काम करते हैं, अगर और गोडाउन का फंक्शन आप यस करते हैं, तो अगर कोई गोडाउन मेंटेन नहीं करते तो टैली बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन में डाल देता है, अन्यथा अगर आप गोडाउन बना रहे हैं तो आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं। तो मैंने प्राइमरी में डाल दिया, कोई लोकेशन नहीं है, सेव कर लीजिएगा। एंड ये इसके बाद स्टूडेंट वापस हम टैली पे आते हैं एंड और एक एंट्री पास करते हैं, एंट्री करने के आप वही F9 प्रेस किया, ठीक। यहाँ पे नंबर, किस कंपनी का नाम माल है, प्रभात, ये खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं माल ले रहा हूँ, एंटर स्पेस दबाइएगा। पहला आइटम हमें सैमसंग ये मोबाइल लेना है, एंटर। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे सबसे पहले गोडाउन दिखाई देगा, यहाँ दिख रहा है ना ये गोडाउन, यहाँ पे स्पेस दबाइएगा, तो जो जिस गोडाउन में माल रखना है गोडाउन आप डाल सकते हैं, इसे बड़ी पीरी रखना है, कितना पीस रखना है, 100 पीस, एंटर कर दीजिएगा। और रेट ऑफ वैल्यू देख लीजिएगा, 5400 का स्टूडेंट है, 5400 डाल दीजिएगा, एंटर स्पेस एंटर। फिर दूसरा आइटम यहाँ पर देखिए परचेज के लिए आ जाएगा, एंटर। दूसरा क्या है, क्या ये सैमसंग टीवी है, एंटर। ये इसको भी कहाँ रखना है, बड़ी बड़ी गोडाउन में सेलेक्ट कर लेंगे, 100 पीस का भी रेट डाल दीजिएगा स्टूडेंट, मतलब क्वान्टिटी 100 पीस है। रेट कितने का इसका, 11500 का, यहाँ पे 11500 डाल दीजिएगा स्टूडेंट, डाल के इसको सेव करा लीजिएगा। टोटल आपका ये गोडाउन यानी बन गया, आप सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। अब मान लीजिए स्टूडेंट, इसमें देखना है कि मुझे कितना माल आप इसमें से हमें बेचना है, कि सारा माल आपको बेचना है, ठीक है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को सारा माल बेचना है। तो मान लीजिए मैं 85% बेच रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको पता चले स्टॉक का क्या कंडीशन है, तो आप स्टूडेंट आप एफेट करिएगा और प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूरा ये जो प्रोफार्मा आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ इन्वॉइस में, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो सारा समझ में आपको आ जाएगा, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखिए। एंड मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ ये क्या सो इसमें से इस गोडाउन में से मैंने 50 पीस यहाँ बेच दिया, यानी मैंने 50 पीस बेच दिया
50, ठीक है, 50 का मान लीजिए इनको 6,000 रुपये मैंने बढ़ा के भेज दिया, दोनों प्रॉफिट रख दिया एंड इंटर। फिर दूसरा आइटम मैंने ये आपका क्या नाम है, मोबाइल हो गया, टीवी है, इसको भी मैंने ये बड़ी पेरी गोडाउन से 50 पीस ये भेज दिया इसका, ठीक है। और ये करीब मैंने इसको भेज दिया 14,000 का, रफा रेट एग्जाम्पल डाल दिया मैंने और सेव करा लिया स्टैंड। ओके, अब इस आपको जानना है कि क्या स्टॉक की स्थिति आपको दिख रही है, किस गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ आपके पास, गोडाउन की क्या स्थिति है। तो आप सीधे स्केप करेंगे स्टूडेंट, स्केप करने के बाद आपको मिलेगा स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में आप जाएगा और वहाँ पे एंटर करेगा तो वहाँ दिखाएगा कि सैमसंग कंपनी का माल आपके पास है, टोटल 100 पीस बचा हुआ है। तो हमें जानना है स्टूडेंट किस गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है, तो यहाँ पे F9 करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे F9 ध्यान से सुनेगा, वहाँ पे आपको गोडाउन समरी मिलेगा, वहाँ पे एंटर करेगा और गोडाउन समरी करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना पीस माल पड़ा हुआ है। तो अगर अल्टर F1 कर देंगे तो डिटेल्स आपको मिल जाएगा, यानी सैमसंग कंपनी का माल है स्टूडेंट आपका, 100 पीस यहाँ पे बड़ी पीढ़ी गोडाउन में पड़ा हुआ है स्टूडेंट। तो यही होता है गोडाउन के साथ टैली में एंट्री करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मेंटेन करने का सही तरीका टैली में क्या है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है और गोडाउन टू गोडाउन स्टॉक कैसे रखा जाता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को यानी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए।